हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज वेदर इतना अच्छा है। आज बारिश नहीं है, ज़रा धूप भी है और हवा भी अच्छी चल रही है। सो घूमने का मौसम तो है, ये बहुत सुंदर ही क्लाइमेट है। और ये अंदर की तरफ मेरा लिविंग एरिया भी क्लीन हो चुका है। और जाते हैं अंदर, डाइनिंग एरिया ये भी साफ़ सुथरा हो चुका है। ऊपर अभी बाकी है क्लीन करना। और ये है किचन, ये भी साफ़ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पे राइस कुकर में राइस भी कुक हो चुका है। और ये जाते हैं बाहर की तरफ, किचन एरिया। सो अभी देखते हैं आते में क्या बनाया है। फिलिपिनो खाना है, ये है स्ट्रिंग बीन्स कोकोनट करी डाल के बनाया है। और ये इतना डिलीशियस था फ्रेंड्स, इसका रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और ये मैं दाल बॉईल की थी, सो मैं दाल भी थोड़ा चूँ दे रही हूँ। आज मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है क्योंकि मुझे एक काम से बाहर जाना है और आपको भी दिखाऊंगी मुझे कहाँ जाना है, फर्स्ट टाइम है। और ये देखिए मैंने सरसों का तेल लिया और उसमें जीरा सरसों डाल दिया, फिर इसमें लहसुन लाल मिर्च, लहसुन को थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे ऑनियन, ऐसे भी हल्का सा रेडिश ब्राउन करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉयल दाल है उसमें हमें तड़का लगाना है। सिंपल दाल रखा है मैंने, बट अच्छा लगता है खाने में। तो ये मैंने अपना तड़का दाल में डाल दिया और उसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये दाल सूप इज रेडी। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से रहेंगे। सो आज मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा के मैं निकल रही हूँ बाहर, और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सो आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। और मुझे कुछ लेना भी है, अगर मुझे अच्छा मिला तो ले लूँगी, नहीं तो फिर देखेंगे। सो आप भी चलिए मेरे साथ, सो लेट्स गो। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ फ्रेंड्स, और मैं जाके देखूंगी मुझे जो कलर चाहिए और जैसे चाहिए। पहुँच के अलाबंग हिल्स एरिया, ये बहुत ही अच्छी जगह है। हमें इसके अभी जस्ट यू टर्न लेके ही वहाँ पे जाना है। सो ये हमारे ड्राइवर जी हैं रोनाल्ड, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभी हम पार्किंग करेंगे। अभी हम पहुंच गए एबनसन मॉल। ये मॉल मतलब सारे अप्लायंसेस फर्नीचर्स हैं यहाँ पे। मुझे कुछ लेना है फ्रेंड्स, पर देखते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो पहले गाड़ी पार्किंग करते हैं फिर चलते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम है वहाँ पे और मुझे भी देखना है उनका कलेक्शन कैसा है। वाह, अभी देखिए अंदर की तरफ, ये जो ग्राउंड फ्लोर है नीचे का सेक्शन,
वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के टीवी हैं, टेलीविजन्स हैं, और ये है सारे म्यूजिक सिस्टम। रेट भी काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स। और ये हम चलेंगे सेकंड फ्लोर की तरफ, जो हमें चाहिए आई थिंक सेकंड फ्लोर में मिलेगा या नहीं ये तो मैं आपको प्लेस नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग ऐसे ही लंबा होने वाला है। फॉर मी इट्स लाइक आई कम फॉर द फर्स्ट टाइम। हम सेकंड फ्लोर में आ गए। ये देखिए ये सारे गैस बर्नर हैं, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस बर्नर। इतने सारे कलेक्शन, इतने सारे वैरायटी, जो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, पर इतना अच्छा लगा कलेक्शन यहाँ पे अप्लायंसेस के। सो ये देखिए, आपको तो पता चल गया होगा कि मैं क्या ले आई हूँ। और ये देखिए इलेक्ट्रोलक्स का ब्रांड, यहाँ पे वर्लपूल है, इलेक्ट्रोलक्स है, सैमसंग है, हर ब्रांड्स के मिलेंगे। We have three burner, but the center, this one, it's smaller. But all this color, no? Okay? Because I already have this color. I have in-house. Okay. You are stainless. I want little different. This one, black. Black, temperature black. ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे अच्छे पाए बनाने के लिए है ये टोस्टर, और ये है ब्रेड टोस्टर, और इसके प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे तो अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, पर मुझे इसका कलेक्शन इतना अच्छा लगा। और ये देखिए मिक्सर ग्राइंडर, ये डोवेल के हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। और ये देखिए राइस कुकर, इतना क्यूट, मतलब स्मॉल साइज से लेके बिग साइज, इतना वैरायटी, मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे हर वैरायटी के राइस कुकर, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए और वैरायटी, और प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए ये है वॉशिंग मशीन, इसके भी काफ़ी वैरायटी थे, बहुत ही वैरायटी थे। ये LG के भी है, ये सारा सेक्शन वॉशिंग मशीन एरिया का है। अभी तो बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गए हैं।
और रेफ्रिजरेटर के क्या कहने, वाओ इतना सारा कलेक्शंस, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे एबिनसन आके देखा, इतने सारे कलेक्शन थे, हर प्राइस के थे, हर वैरायटी के थे, हर कंट्री के थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। स्पेशली जो ब्लैक कॉलर है, इतने अच्छे वैरायटी थे ब्लैक में और प्राइस भी अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, कुछ डिस्काउंट भी थे। और ये वर्लपूल का भी है, देखिए इसका वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी थे रेफ्रिजरेटर के, बहुत। ये रेफ्रिजरेटर मुझे बहुत ही पसंद आया, ब्लैक वाला बहुत ही अच्छा था और इतने सारे वैरायटी। इतने सारे शेल्फ थे, बहुत ही अच्छा था ये तो। ये दूसरी वाली में मैं खोल के देख रही हूँ, वाह ये भी बहुत ही सुंदर था, इसका टेक्नोलॉजी भी। तो अभी थर्ड फ्लोर की तरफ चलते हैं और थर्ड फ्लोर में भी देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। यहाँ पे आपको फर्नीचर्स मिलेंगे, सोफा सेट्स वगैरह मिलेंगे, वाह बेड्स है, ये फ्रेंड्स देखिए इतना सुंदर सा, मतलब सैम्पल पीस है, मतलब कैसे सुंदर से बेड, और अगर हम एक रूम है तो उसको कितना सुंदर से डेकोरेट कर सकते हैं। सो बहुत ही सुंदर होम डेकोर आइडियाज़ लगा मुझे। काफ़ी बेड के वैरायटीज़ हैं। और ये सेकेंड रूम में आ गए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कितना सुंदर डेकोरेट हुआ है। और ये थर्ड रूम की तरफ, ये भी बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए क्लॉक, ये भी बहुत अच्छा है, वॉल क्लॉक। और ये एक रूम, ये एक वैरायटी है, यहाँ पे एक रैफ रखा है, एक बेड है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ये है डाइनिंग एरिया की तरफ, इतने सारे वैरायटी है, 4 सीटर है, 6 सीटर है, 2 सीटर्स है, बहुत ही अच्छे वैरायटी थे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये मॉल, ये अप्लाइंसेस सेंटर, और फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी जिसके लिए मैं आई थी, वो मुझे यहाँ पे मिला कि मुझे दूसरा मॉल जाना या दूसरा मॉल जाना पड़ा। सो देखिए, और यहाँ तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे कलेक्शंस। सो होप आपको भी ये होम डेकोर आइडियाज़, ये अप्लाइंसेस सेंटर अच्छा लगा होगा मेरे साथ। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं जो लेने गई थी वो मुझे मिला भी क्या नहीं। सो अंटिल देन, बाय।